हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जब कोई घर में मेहमान आने वाला हो तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और कैसे घर को सुव्यवस्थित करना चाहिए। तो देखिए वीडियो। तो आज दोस्तों बहू की बहन आने वाली है, जो बाहर से आई हुई है। बहन और बहनोई, बहू गई हुई है पीहर और मैंने अपने घर को सजा लिया है जैसा भी मुझसे हुआ। तो देखिए डाइनिंग टेबल भी मैंने सजा दी है, खाना मेरा बन चुका है सारा, केवल पूड़ियां हैं तो वो मैं गरम उतारूंगी, गरम पूड़ियां खिलाऊंगी, बाकी मेरा सारा खाना बन चुका है। डाइनिंग टेबल मैंने सजा दी है जिसमें मैंने मिठाई रख दी है और चावल रख दिए बना के, पुलाव वेज पुलाव बनाए हैं, ये मिठाई है। और किचन में चलती हैं अभी, वहाँ पर मैं दिखाऊंगी। दो सब्जियाँ बनाई हैं मैंने और ये बनाए हैं वेज पुलाव, वेज रायता भी बनाया है जो मैंने फ्रिज में रख रखा है। ये देखिए वेज पुलाव बनाए मैंने जिसमें मैंने किशमिश डाली है, बादाम डाले हैं, काजू डाले हैं और सारी वेज डाली हैं। इसी तरह से मैंने रायता भी बनाया है। पूरे घर की मैंने सफाई कर ली है। ये देखिए बेडशीट नई बिछाई है मैंने और ये जो कंप्यूटर की टेबल है इधर लगा ली है। एक छोटा रूम है वो भी मैंने साफ कर दिया है। यहां से एक रास्ता और निकलता है जो सीधा डाइनिंग हॉल में निकलता है और सीधी रसोई निकलती है यहाँ से। और देखिए किचन में मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है, बहू को कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, सब बना लिया है मैंने। आटा गूंद कर रख दिया है, तेल चढ़ा दिया है पहले से कढ़ाई में, ये गट्टे की सब्जी बना ली है और बनाई है पनीर शिमला मिर्च की सब्जी, रायता मेरा रखा है फ्रिज में, ये रखा रायता और ये रखा सलाद काट के रखा हुआ है मैंने। सारी तैयारी है मेरी, बस अब उनके आने की देर है। मैं भी अब साड़ी वाड़ी बदलूंगी, काम किया सारा तो मैं गंदी हो गई वापस, सुबह से काम में लग रही हूँ। सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखती हैं जिससे कोई भी दिक्कत न हो। पानी की गिलास रखती है, प्लेटें रखती हैं, मसाला रख दिया रायते के लिए, अचार रख दिया है, सब चीजें रखती हैं यहीं पर। अब सिर्फ उनको बैठ कर खाना ही है, तो वो लोग आएंगे तब आप से उनको भी मिलवाऊंगी मैं। अभी मैं तैयार होंगी, 12:15 होने वाले हैं, अब मैं साड़ी चेंज करूंगी फिर आपसे मिलती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ, साड़ी बदल ली है और मैं अपने खुशबूदार स्प्रे कर रही हूँ। कभी भी जब कोई आए तो उनके सामने चिपचिपे या पसीनादार होके ना जाएं, आप कपड़े वपड़े बदल लें, अपने आप को खुशबूदार कर लें, थोड़ा सा स्प्रे छिड़क लें और घर में भी सारे में थोड़ा रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दें जिससे आने वाले को आपके घर में एकदम खुशबू आए और आपका घर अच्छा लगे, बैठने को इच्छा हो आपके घर में किसी के भी नए मेहमान के आने पर, उसे आपके घर में आना अच्छा लगे, इसके लिए आप
रूम फ्रेशनर से खुशबूदार कर दें आप कमरे को, और अपनी सारी, जैसे भी मैंने दिखाई आपको, कि अपनी सारी तैयारी पहले कर लें, जिससे कि आते ही उनका आप स्वागत कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहू की बहन आने वाली है, बस मैं वेट कर रही हूँ। आपको दिखाया मैंने सारा घर और खाना दिखाया, सब कुछ तैयार है। तो खाली बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। तो कल एक बहुत ही दुखी, मतलब कमेंट आया, बेचारी बहुत दुखी है, मनीषा उपाध्याय है शायद नाम उनका, एक बार और देखती हूँ क्या नाम है उनका। हाँ, मनीषा उपाध्याय नाम है, और उन्होंने लिखा कि उनकी मम्मी कोरोना में चली गई। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक बार तो मैं रोने लगी और अभी भी मेरा गला भर आया है। बहुत ही दुख हुआ उनकी बात पढ़कर। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मेरी मम्मी जैसी लगती हैं, और मैं आपकी वीडियो सारी पुरानी भी देखती हूँ और मुझे अपनी मम्मी याद आती है। तो बेटा बहुत ही दुख हुआ, और अगर तुमको मैं मम्मी जैसी लगती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि मैं तुम्हें अपनी मम्मी जैसी लगती हूँ। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो सब मुझे मम्मी कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मम्मी कहते हैं, तो मुझे अपनी बेटियों की याद आ जाती है। जैसी मेरी बेटियाँ वैसी आप लोग हो। तो बिल्कुल भी दुखी ना होए, ये भगवान की इच्छा थी। और बहुत से लोगों को हमने खोया है कोरोना में, और अभी हमें बच के रहना है कोरोना से। बहुत से लोग चले गए कोरोना में, छोटी छोटी उम्र के लोग चले गए। बहुत दुख की बात रही है, और आपके लिए भी दुख की बात है। लेकिन अगर मैं आपको मम्मी जैसी लगती हूँ तो आप ज़रूर देखिए मेरी वीडियो, और आपको जो भी मेरे से सवाल करने वो करिए, मुझे खुशी मिलेगी। और करती हैं सब बच्ची मुझे, सारी जो बच्चियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, वो सब मुझे कोई अम्मी कहती है और कोई मम्मी कहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने भी व्यूअर्स, मतलब जितने भी मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बड़े प्यार से बोलते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो उन सबको मैं फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बार दे चुकी हूँ, हर वीडियो में मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मुझे। इस वजह से मैं वीडियो बना देती हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो वीडियो कोई अच्छी नहीं बना पाती हूँ। मुझे कोई इतना बनाना नहीं आता है वीडियो, तो कई बार सोचती हूँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ आ रहा नहीं है, नई बात नहीं आ रही है, कुछ आ रहा नहीं है, तो मूड ऐसा हो जाता है कि नहीं बनाऊँ। पर फिर जब कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, तो फिर शुरू कर देती हूँ बनाना। तो आप लोगों के कमेंट्स से मैं बहुत प्रेरित होती हूँ वापस दोबारा बनाने के लिए वीडियो। तो कमेंट्स करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो अभी आएंगे, मेरी बहू भी आएगी साथ में, बहू के बहन बहनों ही आएंगे। तो अगर वो मिलना चाहेंगे आप लोगों से तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी, और नहीं मिलना चाहेंगे तो पूछ लूँगी इनसे कि आप मिलना चाहते हैं तो मैं उनका थोड़ा सा वीडियो बना दूँगी। अगर बनाई वीडियो तो इसमें अभी जुड़ जाएगी वीडियो। वीडियो देखकर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि जब मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। सुबह से मैं तो यही करती हूँ कि सुबह से लग जाती हूँ, पहले सफाई में लगती हूँ, सारे घर की सफाई करती हूँ, फिर मैं खाना बनाने में लगती हूँ। हाँ, बेटे ने ज़रूर कहा था कि मम्मी होटल में खाना दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो शौक है खाना बनाने का, मैं तो 50-50 आदमी का खाना भी अकेली बना लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, 2-4 जने आ रहे हैं और 3-4 जने अपन हैं, तो ऐसा मुझे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आदत है काम की, घर का 80% काम मैं करती हूँ, तो मुझे कोई काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं शौक से करती हूँ, मुझे शौक है, और हर गृहिणी को शौक होना चाहिए घर के काम करने का, तभी वो अपने घर को अच्छी तरह से चला सकती है। ऐसे रो रो के और बीमार होके ऐसे हम अगर काम चलाते रहें ना, तो घर कभी भी, घर के लोग खुश नहीं होंगे जब तक हम बीमार पड़े रहेंगे। मेरे ये हो रहा है आज, मेरे वो हो रहा है, तो इससे क्या है कि सारे घर के सदस्य हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं आपकी बीमारी से। इसलिए अगर आप बीमार भी हैं तो चुप रहें, अपनी बीमारी को सहन करती रहें और घर में काम में लगी रहें। आपकी बीमारी है जो उड़न छू हो जाएगी। तो देखिएगा ज़रूर वीडियो।
तो मेहमान आए और चले भी गए, मैंने रेस्ट भी कर लिया और बस फिर मैं ले ही नहीं सकी उनके साथ वीडियो। उनके आते ही मैं फिर उनकी खातिरदारी में लग गई, पूरी उड़ी बनाने लगी और उनको खाना सबको साथ में बैठा के खिला दिया, बेटे बहू को भी उनको भी। तो इस चक्कर में मैं वीडियो ले ही नहीं पाई उनकी। तो बस आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।